जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको जानकारी दे दे कि पानीपत में आज 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें प्राइवेट लैब से उनका सैंपल हुआ था और डॉक्टर संतलाल वर्मा पानीपत सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत सामान्य अस्पताल से लिए गए सैंपलों की जो रिपोर्ट है वो तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। एक बेहद ही राहत भरी खबर। लेकिन 3 प्राइवेट लैब से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक हरिबाग कॉलोनी से 32 वर्षीय है तो दूसरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से 38 वर्षीय है। वहीं मालटाउन वासी 34 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 5 लोग कोरोना को मात देकर जिनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जो एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो अब बढ़कर 36 हो गए हैं, क्योंकि 5 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया है। तो लगातार जो आंकड़ा है वो आपको बता दे कि जो टोटल संक्रमित होने की जो संख्या है वो 137 हो चुकी है। कल भी जो 8 मामले सामने आए थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी, उसका खानपुर में इलाज चल रहा था और खानपुर में इलाज के दौरान मौत हुई, तो कोरोना का सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव पाई गई। एकता जो है, एकता विहार कॉलोनी ऊर्जा रोड से थी। तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले विषय हैं कि जिसमें 7 रिपोर्ट कल भी प्राइवेट लैब से लिए गए थे वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज फिर 3 प्राइवेट लैब से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जो है संक्रमण काल लगातार बढ़ता जा रहा है। पानीपत उपायुक्त ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस सराना के एनसी कॉलेज को जो है अधिकृत किया है कोविड हॉस्पिटल के लिए, और जल्द ही उसमें जो स्टाफ है, नर्स है, पैरामिलिट्री है, वो तमाम लोग कोविड की इन सेवाओं में कार्य करेंगे। यह जो है उनको अधिकृत करके कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की गई है। खानपुर कोविड हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि पानीपत में 4 प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, निजी हॉस्पिटल, वो अपने खर्च पर उनको भी कोविड हॉस्पिटल जो है घोषित किया गया है, लेकिन उनमें जो व्यक्ति इलाज कराना चाहता है वहां पर आपने निजी खर्च से वाहन कर सकता है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दे कि जो है जिनको छुट्टी मिली है, जो डिस्चार्ज हुए हैं उनके बारे में भी आपको बता दें। जिस संत नगर से 19 वर्षीय युवती है जो कोरोना को मात देकर लौटी है, वहीं भगत नगर से 26 वर्षीय युवक व स्थानीय सेक्टर 11-12 से 68 वर्षीय महिला व नूरवाला से 53 वर्षीय पुरुष और 36 वर्षीय महिला को डिस्चार्ज किया गया है। आपको तमाम जानकारी हम सिटी तहलका के माध्यम से ऐसे ही देते रहेंगे। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप YouTube पर इसको लाइव देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर आप देख पा रहे हैं तो चैनल को फॉलो, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप अपनी जो राय है वो महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तमाम अपडेट्स आपको यूं ही हम आपको सबसे पहले सिटी तहलका के माध्यम से देते रहेंगे। लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।